नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी खबर 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। थाना भवन नगर में बैंकट हॉल स्वामी द्वारा सरकारी सड़क पर लोहे के पोल लगाकर जबरन अतिक्रमण किया गया था। नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी ने एक्शन लेते हुए पोल को कटर द्वारा कटवाकर अतिक्रमण हटवाया। दरअसल आपको बता दें कि मामला जनपद शामली के थाना भवन नगर का है, जहां सरकारी सड़क पर पोल खड़े कर अतिक्रमण की शिकायत के बाद नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी जितेंद्र राणा के आदेश पर सड़क पर लगाए गए लोहे के खंभे को कटवा कर सड़क को कब्जा मुक्त कराया गया। थाना भवन नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी जितेंद्र राणा ने बताया कि नगर के मेला ग्राउंड में स्थित वेंकट हॉल स्वामी द्वारा सड़क के दोनों ओर किनारों पर लोहे के पोल लगा दिए गए थे। मामले में अतिक्रमण की शिकायत मिलने पर आरोपी वेंकट हॉल स्वामी को पोल हटाने के लिए नगर पंचायत द्वारा नोटिस भेजने के बाद भी पोल नहीं हटाई गई, जिसके बाद नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी जितेंद्र राणा के निर्देश पर नगर पंचायत कर्मचारियों ने कटर द्वारा पोल को काटकर अतिक्रमण हटाया। नगर पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाने वाली टीम में संजय कुमार लिपिक, मनीष शर्मा, वसीक अहमद आदि लोग शामिल रहे।